अब क्वेश्चन 25 देखिए, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन हमें शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर है वाई इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वन के। तो आप इस कर्व को या फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा कि जहां वाई को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं और बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं। तो फिर यहां इसको आप देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, एक्स सेम वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेम एक्स का वन, ई की पावर एक्स माइनस वाई का ई की पावर एक्स माइनस वाई, एक्स का वन वाई का डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लें, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब आप यहां देखो ध्यान से, तो दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। इसको डिवाइड में ले जाओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। आप बोले सर डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया बट टर्म इसके जैसी नहीं बन रही, दोनों की शक्ल में फर्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पर आप देखें, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इसको देखो, यहां ऊपर से मैं यदि y कॉमन लेता हूं, y कॉमन लेंगे तो यहां y नहीं है मतलब डिवाइड में आ जाएगा और यहां पे बचा 1। नीचे से x ले लो, 1 प्लस e की पावर x माइनस y अपॉन x। अब थोड़ा ध्यान से यहां देखो, अगर मैं x को नीचे लाता हूं तो ये y के बराबर है और अगर आप y को नीचे लाएंगे तो x के बराबर है। तो यहां जो ये टर्म है ये क्या बन गई, x फ्रॉम फर्स्ट, और यहां पर आप देखें तो ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट। तो dy वाई बाई डी, अब देखो दोनों सेम सेम बन गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा कर्व से आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बोले सर हमको कैसे पता चलेगा, आपको जो प्रूव करना है उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है और फिर आप इसे प्रूव कर पाएंगे।